अभी की बात करते हैं कि मुद्रा का आधुनिक रूप। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, करेंसी है। पर अगर पहले से देखा जाए तो जो करेंसी है यानी कि जो नोट है वो ऐसे नहीं थे जैसे कि आज है। ठीक है, आज जिस रूप में आपको मुद्रा दिखती है कई वर्षों पहले ऐसा नहीं था। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी तांबे के सिक्के थे, कभी सोने के सिक्के आए, ठीक है, कांच के जो सिक्के हैं वो भी आए। तो जिस जिस राजा के पास जो धातु ज्यादा थी या फिर अपनी जो एक ताकत है उसका प्रदर्शन करने के लिए मुद्रा के स्वरूप को जोड़ा जाता था। ठीक है, जैसे अगर सोने के सिक्के बना दिए जाएं तो ये माना जाता था कि वो राजा क्या है, आर्थिक रूप से सक्षम है। इसीलिए तो मुद्रा के रूप को क्या दिया है, सोने के सिक्के में कर दिया है ना। तो ऐसे ही मुद्रा का स्वरूप जो है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहा। आज से पहले देखें तो तुगलक के जमाने में देखें, फिर भी उस समय सोने के सिक्के चलते थे। फिर कनिष्क का शासन आया, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी सोने के सिक्के आपके चलते थे। पर कहीं ना कहीं फिर हमें देखा गया कि एक बड़े अमाउंट में अगर हमें धातु की यानी कि इस वस्तु की जरूरत है तो इतना ज्यादा जो है इस धातु का प्रयोग करना सही नहीं है। और धीरे धीरे सारी चीजें बदलती गई। आज आधुनिक रूप में मुद्रा के जिस रूप को हम जानते हैं उसको हम करेंसी कहते हैं। करेंसी में आपके सिक्के भी आ गए और आपके कागज के नोट भी आ गए। ठीक है, सिक्के भी आ गए और जो नोट है वो भी आ गए। इस पूरे जो फॉर्मेट है उसको हमने कह दिया कि करेंसी है। ठीक है, और यही वस्तु विनिमय का क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तब मुद्रा होती ही वस्तु विनिमय का आधार है। ठीक है, तो फिर और ऐसा नहीं है कि अगर हमने करेंसी नोट के लिए कह दिया तो कागज से बनती है कह दिया तो हर कोई व्यक्ति छाप ले। ठीक है, ऐसा तो हो सकता था ना कि हर कोई व्यक्ति नोट छाप ले, फिर तो दिक्कत ही नहीं रह जाती किसी बात की। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रिजर्व बैंक है यानी कि RBI है वही एक नियम देता है, उसी की परमिशन के बाद ही कोई करेंसी पे जब तक उनके हस्ताक्षर नहीं होते गवर्नर के, उसके बाद वो जो है वो मान्य नहीं होता। ठीक है, तो इसके रिलेटेड यानी कि ये जो सिक्के करेंसी है इसके रिलेटेड भी कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, जो कुछ कानूनी नियम है वो बनाए गए हैं, उन पे बात करते हैं। नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि RBI के अलावा कोई भी इसको वैधता प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि किसी नोट को मुद्रा, जो एक कागज का टुकड़ा है उसको मुद्रा बनाने तक का काम कौन करता है, RBI करता है, क्योंकि वही उसको वैधता प्रदान करता है। ठीक है, जब तक RBI की वैधता नहीं है उसके पास तो सिर्फ महज क्या है, कागज का टुकड़ा है। इसके बाद भारत में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति मुद्रा को लेकर लेने से मना नहीं कर सकता। यानी कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं और कोई दुकानदार आपसे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये जो पैसे हैं, ये करेंसी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में आप कुछ और चीज दो। ठीक है, यानी कि कोई अपनी वस्तु दो या ये चीज दो, तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उस पर क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा जबकि कोई करता नहीं है, पर ये नियम है कि मुद्रा से ही वस्तु का विनिमय किया जाएगा। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, मुद्रा की जरूरत होगी। आगे बात समझ में, ये कुछ क्या है, नियम बने हुए हैं। ठीक है, और जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी RBI के ऊपर, RBI जितनी भी गाइडलाइंस जारी करता है किसी मुद्रा के ऊपर, तो वो सभी को मानना क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपनी मुद्रा को किसी और देश में चलाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी करेंसी को वहां की करेंसी से बदलना होता है। ठीक है, तब जाके हम दूसरी जगह जाके अपनी करेंसी से वस्तु का विनिमय कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय का एक साधन है। मुद्रा का एकमात्र कार्य यही है कि वो क्या करता है, वस्तु का विनिमय करता है यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको।